रनिंग गाइस, अभी हम मैं नहा चुका हूँ। पापा ने ज़बरदस्ती नहाने के लिए घुसा तो दिया, ठंड लग रही है यार। ये पहाड़ देखो, जस्ट लुक एट, क्या जगह है माशाल्लाह। ट्रक अभी इस्लामाबाद के रास्ते में थे और आगे कंस्ट्रक्शन चल रही है और रास्ता पूरा और ट्रैफिक जाम हुई है, पूरी ट्रैफिक जाम। यहाँ से निकलने में अभी भी कम से कम भी आधा घंटा, एक घंटा नहीं लगना, नहीं लगना, नहीं लगना। अभी हम लोग कहीं एक जगह पे रुके हैं गन देखने, आगरा जगह है। यहाँ पर शक्कर कंदिया मिल रही है, कुछ चीज है अभी पकी पड़ी हुई थी इनके पास। ये आ गई हमारी शक्कर कंदिया। मज़ा आया। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ पर इस्लामाबाद पहुँच गए हैं, मलंगिया पे रुके हुए हैं। कहा वो पापा लेने गए हैं हमारे, लाओ पार्सल करवा रहे हैं, अभी भूख नहीं है, नाश्ता थोड़ी देर पहले ही करा था, इसलिए रास्ते में अगर भूख लगी तो आता भी खाएंगे। तो अभी तो इनको इसको ना पार्सल ही करवा रहे हैं, तो देखते हैं कब तक आते हैं वो पापा हमारे। ये देखो, इस पुलाव की बात कर रहा था मैं, और ये भाई नली निकालने में लगे हुए हैं। तो नहीं निकल रही, मजा आया। हम लोग रुके हैं आरामगाह पे इस्लामाबाद के चाय पीने के लिए। पापा वहाँ पे भी रहिए, वहाँ पे भी पापा गाड़ी साफ कर रहे हैं कि तस्वीरें अच्छी आ जाए। इसको ये भी साफ करो, बहुत गंदा है, ये भी साफ करो। चाय रिकॉर्ड ही नहीं करी, चाय पीते में रिकॉर्ड ही नहीं किया। कोई रुके हैं पेट्रोल भरवाने गाड़ी के अंदर, अभी देखते हैं कितना कितने का पेट्रोल आता है। देखो बे आराम, थम जा थोड़ा, आराम से भर, आराम से ऊपर जा, किस स्पीड में जा रहा है। ये देखो 2000 रुपये ऐसे पहुंच गया, 9.5 लीटर हो गया, 2000 रुपये में 9.5 लीटर बस, आराम से भाई जान, आराम से। क्या और तो भर गया है, पेट्रोल भर गया, 10 लीटर भरा है 2300 में, 2353 इसमें 10.87 लीटर भरा है। वाह, ये हमारे व्लॉगर खड़े हुए 50 रुपए वाले बाथरूम में, जहाँ अपने 50 रुपए पूरे करके उतर रहे हैं, तो बिल्कुल 100% ऐसे 50 रुपए पूरे करे इन्होंने कि जिसकी इंतहा नहीं। फुल टाइम टट्टी वट्टी करके, हग्गा वग्गा करके, अचानक से नमूदार हुए। ये शक्ल देखें इसकी, ये शक्ल देखें, 50 रुपए की टट्टी करके आ रहा है। लेकिन इसी कोल्ड ड्रिंक हम पियेंगे, इसको की खांसी बहुत ज्यादा हो रही है। रुक गया नहीं, छोड़ दे सही यार, हां ये गलत बात है, गाड़ी आई हां।
फॉग देखो, फॉग नहीं आ रही, बढ़ती जा रही है। अरे फॉग आई नहीं है उसमें? नहीं ना, इतनी ज्यादा थोड़ी आ रही है, कोई वाजे ही नहीं हो रही है कि फॉग है। मेरे मोबाइल में बहुत कम फॉग वाजे पड़ी है, मतलब इसमें आ रही है। आपके मोबाइल में आ रही है, मेरे वाले में नहीं आ रही। फॉग बहुत पड़ चुकी है मोटरवे पे, लेकिन हम एक बस को फॉलो कर रहे हैं। जो भी है मोटरवे पर वही है, और वो उतर, अगर कोई उतरा फिर उसको चढ़ने, वापस चढ़ने नहीं देंगे, उसको फॉलो कर रहे हैं। और हमें इतनी लंबी चौड़ी लाइन बड़ी सी नजर नहीं आ रहा, इसको बढ़ाएंगे। और हमें ये लोग फॉलो कर रहे हैं, इतनी लंबी चौड़ी लाइन आ रही। अभी हम लोग आराम कहाँ पे रुके हैं, थोड़ा चाय शाय पीने, क्योंकि एक गाड़ी हमारे, छोड़ो अभी चाय पीकर फिर निकलेंगे। धुंध खत्म हो गई, मुझे सब नजर आ रहा है, माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है माँ। हाँ जी, क्या व्लॉग में ले रहा हूँ, कौन सा मैं गुनाह कर रहा हूँ? क्या बात, ठंडे 10 डिग्री चल रहा है। ओ भाई अंदर जाओ, ठंड लग रही है। ओ भाई ये रुकना तो, चाय पीने के लिए तो रुकोगे? ठंडे बाहर वो पर रोको ना यार, रोकी जा प्लीज, ये जानबूझ के भगाने वाली। ठंडे बाहर भूल गए थे मेरे को, क्या देख कर बोलो कैमरे के आप देखो, तुम लोग नहीं रखो पापा ठंडे। कौन बार बहुत ठंडे, मैं नहीं आ रहा, आना पड़ेगा। अभी हम लोग मुल्तान वो मोटरवे से उतर चुके हैं, क्योंकि पुलिस वाले रोक लिया था, नहीं जाने दे रहे थे आगे। ये भी रोड सही है, यहाँ पर रोड ना कितने वहाँ पे बिल्कुल एक कुत्ता दे रहा था। हमने पराठे मंगाए थे, पराठे कितने बड़े, चकोली के बाद तो खा देंगे। साइज चेक करो मेरे पापा के सर से, कुत्ते भी ये कैसे खाएंगे पापा? अबे यार यहाँ पर रोड पे अभी एक कुछ देखा है हमने, जिसकी वजह से हमने गाड़ी रोकी है। पूरा गंडेरी से भरा हुआ ट्रक गिर चुका है, मैं तो बोलता हूँ यहीं से उठा के छाट होते हैं। उठा लो जितना उठाना उठा लो, पूरा आज कल्टी हुआ है, और ऐसा बहुत खतरनाक तरीके से कल्टी हुआ है। चले ओए वे, कुत्ते की डड्डी में पड़ रहा हुआ था। मजाक कर रहा हूँ यार, नहीं कर ठंड हमें ना आता छिलका उतारने। इनका उबियारी करने रखी है भाई, इसको दो टुकड़ों में हमने बांट लिया, और देखो मैंने खाली दो टुकड़ों में बांटा, उनमें भी एक मछली। मजा आया, यार पेट्रोल भराने के लिए रुके हैं यहाँ पर पेट्रोल पंप पे, अभी पेट्रोल फुल कर रहे हैं। 215 रुपये प्रति लीटर हो गया, ये कब हुआ? कल तक तो 216 रुपये था, पता नहीं।
यहाँ से रोड से गुजर रहे हैं तो अभी उन्होंने देखा कि ना कुछ मतलब लोग थे भीख मांग रहे थे और साथ में अपने बच्चों को ना गाड़ियों के आगे कर रहे हैं, गाड़ियों के पास वो बच्चे आके चिपक रहे हैं और भीख मांग रहे हैं। उसके अलावा अभी एक औरत दिखी कुरान मजीद उठा के हमें सामने से भीख मांग रही है। क्या बोले बगैर एक हद होती है बगैर देखी पता नहीं क्या ही कर रहे हैं बच्चों को कर रहे हैं, गाड़ी भी अगर ठुके फिर कौन से बेदार थे। और ऊपर से कुरान मजीद उठा के मांग रही है वो औरत भी, ना उसका वजू सही से हुआ होगा ना कुछ। देख कर बताओ क्या है? मैं बताऊं? इस बंदे का हॉर्न फटा है और ये टिश्यू से साफ कर रहा है, जगह जगह पे धब्बे लगा रहे हैं टिश्यू पे। इससे लग रहा है डिजाइन बना हुआ, उधर लगाऊंगा, उधर उधर इधर म्यूजियम में लगाऊंगा। आज पहली बार कराची वाले लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है पान किसी ने थूक दिया। सीरियस बात सही में ऐसे ही से दिखाना है एक बार ₹5 करोड़ शक्ल देखो 5 करोड़ क्या अब क्यों तंग करना छोड़ गंदा सैलर। 2 बज गए हैं अभी तक हम घर पहुंच जाते, अगर हमें मोटरवे मिल जाते, मोटरवे पे अगर मोटरवे अगर बंद ना होता तो मोटरवे की ऐसे टाइम हम लेट हो गए। खैर अभी भी 2 घंटे का सफ़र है यहाँ से, नहीं तो अभी 12 बजे तक हम पहुंच जाते, 2 बज रहे हैं। तो दोनों से मैं रहता हूँ घर पहुँचने के बाद। फाइनली कराची पहुंच गए 28 घंटे के बाद, बड़ी साइकिल थे अभी जाके पहुंचे। बहुत थक गया हूँ सही में थक गया यार, 26 घंटे से सफ़र कर रहा है, दिमाग घूम गया है। घर पहुंच चुके हैं और घर पहुंचने के बाद अलग ही सेटिस्फेक्शन मिल रही है, मेरी घर की जमीन मिट्टी है, सफाई नहीं हुई अभी तक, ब्रश करना पड़ेगा। तो मिलता है अब ये व्लॉगिंग मतलब से ये व्लॉग की सीरीज यहीं पे एंड हो रही है, हम पाकिस्तान टूर होकर आ गए।